बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों इंटरमीडिएट बोर्ड कराची ने 54 मुलाज़मीन को रेगुलराइज़ किया। ये सारे वो मुलाज़मीन थे जो डेली वेजेस पे 5 साल 6 साल 8 साल से काम कर रहे थे। फिर ये मुलाज़मीन हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने इनको कंफर्म किया। तो हमने अपने प्रोसेस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग करके और कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल लेके इन सब लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए। इसमें 4 लोग वो भी हैं जो डिसीज कोटे पे थे, जिसमें किसी का हस्बैंड, किसी का फादर हमारे पास मुलाजिम थे और वो उनका दौरान सर्विस इंतकाल हो गया था। तो ये इतने सारे घरों में खुशहाली चली गई और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे मुलाजमीन हमारे बोर्ड की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसके अलावा आपके तवज्जो से एक बात और बता दूँ कि कराची के अंदर इंटरमीडिएट बोर्ड के हवाले से एक बड़ा मसला ये है कि बच्चे इंटर का सर्टिफिकेट लेने खुद यहाँ आते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं। हमने लोगों की मुश्किलात को आसान करने के लिए ये किया है कि अब इस दफ़ा 2018 के जो सर्टिफिकेट हैं वह हम मुतालिका कॉलेजेस में भेज रहे हैं। तो ये तमाम बच्चे जो है अपने अपने जो सर्टिफिकेट हैं अपने कॉलेजेस से ले लेंगे, तो उन बच्चों को ना चालान भरने की ज़रूरत होगी और ना ही उनको यहाँ इंटर बोर्ड आने की ज़रूरत होगी। इस तरह हम चाहेंगे इंशाल्लाह 2018 के बाद 2019, 2020, 2021 के तमाम पक्के सर्टिफिकेट मुतालिका गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेजेस में भेज दिए जाएँ और बच्चे वहीं से रिसीव कर लें। इसके अलावा एक और बात आपके तवसुब से ये भी बता दूं कि पूरे कराची के बच्चे जब इधर आते हैं तो ये बच्चे आके यहाँ बैंक पे रश हो जाता है। तो कराची के तमाम UBL की ब्रांचें अथराइज हैं इंटरमीडिएट बोर्ड की फ़ीस वसूल करने के लिए। तो बच्चे अपने घर के नज़दीक जो भी UBL की ब्रांच हो उसमें पैसे जमा करा के फिर बोर्ड आके अपने रसीद जमा करा दें तो उनको परेशानी से भी बच जाएंगे और यहाँ रश से भी वो बच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और इन बच्चों के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि कराची के बच्चों को किसी हद तक जो है उनके घर के नज़दीक ये सारी सहूलतें मिल जाएँ इंशाल्लाह।